हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जो सीरीज चल रहा है बैलेंस शीट का, मोर देन 16 से 17 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की महारत्न कंपनी है, और जहाँ पे आप पेट्रोल भरवाते हैं मैक्सिमम, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका सेल ग्रोथ जो है 19 से पहले बड़ा अच्छा था, क्या है सीक्रेट इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या प्रोडक्ट बना दी है और आगे क्या क्या इनके स्कोप हैं, सारे कुछ जानेंगे इसके बैलेंस शीट, PL स्टेटमेंट, अकाउंट्स टू नोट में। और जाते जाते हमेशा की तरह एक बोनस टिप्स बताऊंगा, जिसको आप अपने डायरी में मेंटेन करके और आने वाले टाइम में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं रिकॉर्डर पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक MNC कंपनी तो है ही, और बोल सकते हैं कि एक PSU कंपनी है जो कि रेगुलेट होती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है इसमें खास और क्यों कि थोड़ी सी टॉप प्रॉफिटेबल कंपनी इस साल की बनी, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले, ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कंपनी के वेबसाइट पर चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कंपनी आखिर क्या क्या करती है और क्या क्या इनके पास चीज़ें हैं। सबसे पहले ये हॉकी टीम को सैल्यूट कर रहे हैं, और ये कुछ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये हम देख सकते हैं कि क्या क्या इनको एनर्जी होम, ये कि एक देखिए CNG का भी काम कर रहे हैं लोग, कुछ ऑयल जो कि हम बाइक्स वगैरह में डलवाते हैं ये भी है, और ये इनका जो है पावर ग्रिड स्टेशन बोल सकते हैं, जहाँ पे ये रिफाइनरी करवाते हैं। किस किस सेक्टर में काम करते हैं थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ऐसे हम लोगों को पता तो होता है। सबसे जो अच्छी जो सेक्टर है फ्यूल एंड सर्विसिंग, ये कि अच्छा सेक्टर है, हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा इस कंपनी के बारे में पता होता है। लेकिन इसके अलावा भी कंपनी अच्छी अच्छी जगह पर काम करती है, जैसे कि आप अगर एविएशन में भी काम करती है, जो कि एयरपोर्ट पर जो फ्यूल वगैरह डलवाते हैं, रिफाइनरीज में भी काम करती है, और आप अगर डिस्कस करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड भी कंपनी करती है, गैस भी बनाती है और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल गैस बनाती है, फ्यूल सर्विस भी कराती है, और ये भारत गैस के नाम से भी फेमस है। इसकी टेस्टिंग हर जगह होती है, और एक BPRL है, और यहाँ के मैक लुब्रिकेंट्स एक चीज़ है जो कि ये भी कंपनी बनाती है। डिस्कस करते हैं और इसमें क्या क्या खास है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम देखते हैं कि अगर इसमें और क्या क्या है, तो आप इसमें इसलिए जान सकते हैं कि इनका नियरेस्ट में कौन कौन से भारत पेट्रोलियम के स्टेशन आपके फ्यूल स्टेशन मिल जाएंगे। और आप अगर देख सकते हैं तो कॉन्टैक्टलेस NFC एनेबल्ड पेमेंट ऑप्शन एट अ रिटेल आउटलेट, ये आप देख सकते हैं कि आपके, क्योंकि कोविड हुआ था तो इसके अलावा भी आप पेमेंट इनको पे कर सकते हैं अलग अलग इन्होंने, मतलब इसका मतलब भी है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते चला गया, इनके पास एफिशिएंट हैं अपने टेक्नोलॉजी में, इन्होंने स्टार्ट किया है। अगर हम डिस्कस करें कि भारत पेट्रोलियम क्या है, तो भारत पेट्रोलियम हमें पता ही है कि एक गैस की कंपनी है जो खूब सारे सेक्टर में काम करती है। और इनका अगर देखेंगे कि ये इनका पेट्रोलियम हाउस होल्ड के लिए भी है, एक्ट एविएशन एनर्जी इंडस्ट्री इनोवेटर, और इसके अलग अलग सेक्टर में भी ये काम करती है। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस सेक्टर का सबसे जो इफ़िशेंट काम क्या है, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, जैसे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ की पॉइंट इस कंपनी के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन जो हम सबको जानने के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है, उसका नाम है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। दूसरी बोल सकते हैं कि ये जो कि इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल और हम मार्केटिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब दो काम बहुत ही फेमस इस कंपनी का है। सबसे पहला काम इसका क्या है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। और दूसरी जो है हम ये बोल सकते हैं कि रिफाइनरी है, कि ये रिफाइनरी है जो कि क्रूड ऑयल बनाती है, और ये है मार्केटिंग ऑयल में भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है। हमें पता है कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितना है, और हमें पता है कि मुंबई, कोची, बीना, मध्य प्रदेश और अलग अलग मेगाटन में इनकी प्रोडक्शन होते हैं।
डिस्कस करते हैं कुछ और डिटेल इस कंपनी के बारे में जानने में। सबसे पहले अगर हम देखें इस कंपनी का मार्केट कैप जो है अराउंड 98,166 इतना करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अगर करंट प्राइस देखें इस कंपनी का जो है 452 है, हाई अगर इस कंपनी का देखें अभी तक का एक साल में 322 गया है, मतलब जो लो है हमेशा मैं उसको उल्टा पढ़ देता हूँ, और इसका हाई अभी तक का है 494 है। अब आगे से गलती नहीं होगी, आगे देखिए जो सबसे अच्छा जो चीज़ है इसका अगर स्टॉक प्राइस देखें, मैंने हमेशा ही बोला है कि किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक जो पी बाई ई रेशियो है अगर कम है तो बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, एक ही अच्छी चीज़ है। तो इसका स्टॉक जो पी बाई ई रेशियो है इस कंपनी का लो है, मतलब इसका ग्रोथ अच्छा होगा। इसकी अगर बुक वैल्यू देखें कि कल कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाए, बंद हो जाए, कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, तो वो है एक प्राइस के अकॉर्डिंग इसको पैसा मिलता है 247 मिलता है। इसका डिविडेंड यील्ड अगर इस कंपनी का देखें जो कि हमारे पास अच्छा डिविडेंड यील्ड है, जो इसकी वैल्यू है 4.64% इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, जो कि हमारे सामने दिख रहा है कि जो एक अच्छी वैल्यू हम मान सकते हैं इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है, ये जो है 4 जो भी हमारे पास दे रखा है 4.64% है। इसकी फेस वैल्यू है ₹10, ROE है इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 27.3% इसका ROE है कि रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन व्हाट वी कॉल्ड इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो इस कंपनी का है 18.6% है, जो कि अच्छी वैल्यू है। अगर हम डिस्कस करें ये सिनेरियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी सब में ये सिनेरियो आपको नहीं मिलेगा। इस कंपनी का जो PE बाई जो ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो हम आराम से चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखिए ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, पी वैल्यू तभी तो 0.9 आ रहा है, मतलब ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है उसके स्टॉक से, तो जो जो पी बाई ई रेशियो जो है उससे इसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तभी तो इनका पूरा पूरा रेशियो जो हो रहा है कम हो रहा है। क्विक रेशियो क्या है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी अगर कोई भी इस कंपनी में केस हो जाए, कुछ ऐसी सारी चीज़ें कंपनी के साथ आ जाए, तो उस केस में इसके पास कितना परसेंट पैसा है, तो उस कंपनी का 0.42 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि हम डिस्कस करते हैं, कंपनी जो डेट है उसके 11 टाइम्स ये पैसा पर एनम आसान से कमाती है। इसके बाद डेट कितना है, तो डेट देखिए हमने बताया था 98,000 मतलब अराउंड 1,00,000 करोड़ की कंपनी है, और वही इसका जो डेट जो है बिल्कुल निगलिजिबल है, 1 भी नहीं है। हम हमेशा डिस्कस भी करते हैं कि अगर 1 हम खुद का लगा रहे हैं तो 1 हम शेयर होल्डर से भी लेते हैं, मतलब कि लोन ले सकते हैं, मतलब ये अगर लोन का कॉलम है और ये अगर सेल्फ का कॉलम है तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि ए वाला चीज़ हमेशा जीते सेल्फ वाला, और हमेशा जिससे हम कंपनी से जो पैसे लेते हैं ये हमेशा थोड़ा सा डाउन हो, तो हम ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि रिटर्न ओवर 3 ईयर कितना आता है कंपनी का, तो जो हमारे सामने है 4.6% जो कि थोड़ा सा पुअर ग्रोथ है। इसके पीछे रीजन क्या बोल सकते हैं, कोविड रीजन था जो कि 19 से स्टार्ट हुआ था, और आपको पता है 20 भी आने वाला है बहुत जल्दी। अगर हम डिस्कस करें कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होता है, जो कि वैल्यू हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर सका है, जो कि 27.3% है जो हमारे पास है। क्या क्या वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है, मार्केट कैप जो है इस कंपनी का सबसे ज़्यादा है ये हमें दिख रहा है। इस कंपनी का जो स्टॉक जो पी बाई ई रेशियो जो होता है ये आपके सामने दिख रहा है, इसका जो ROCE जो कंपनी का जो है ये भी हमारे सामने दिख रहा है 18.6%। पैग रेशियो इस कंपनी का जो हमें डिस्कस कर रहा है ये भी हमारे पास अराउंड 18.6 है, ये एक अच्छी वैल्यू है हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इस कंपनी के बारे में ये तो हमने जिन डिस्कस कर ही लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, क्या करती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो कंपनी जो है अगर हम इसका सेल्स अगर देखेंगे तो इस कंपनी का सेल्स जो है टाइम टू टाइम इस कंपनी का जो सेल है ये वाले वैल्यू सेल्स जो इस कंपनी का जो है ये ग्रोथ होता है, एक अच्छी बात है। इस कंपनी का प्रॉफिट भी जो अगर हम डिस्कस करेंगे तो प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हो रहा है, सेल्स भी इनका इंक्रीज कर रहा है। अगर हम 1 ईयर में देखें, हम 2 ईयर में देखें,
या 5 ईयर में देखें ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर हम इसके सेल्स में देखें तो हमें पता है कि 19 जो कि इस साल तक जो सबसे हाईएस्ट हम बोल सकते हैं, ये जो हुआ था कौन सा साल था जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो ये मार्च के बाद जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पिक पे था। इसके बाद क्योंकि मार्केट थोड़ा सा क्लोज हुआ, थोड़ा सा ओपन हुआ, मार्केट वोलेटाइल था, तो उस केस में इस कंपनी ने थोड़ा सा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अप टू डेट परफॉर्म नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो है कि थोड़ा सा इनमें डाउन हुआ सेल्स मार्जिन, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर थोड़ा सा और डिक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा डिक्रीज किया। सबसे कम आपको दिख रहा है कि अप्रैल 2020, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो ये बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब सेल्स ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो हम डिस्कस करते हैं कि पहले इसका घटे और हम क्या करें, फिर थोड़ा सा बढ़े, फिर थोड़ा सा बढ़े, फिर थोड़ा सा बढ़े, फिर थोड़ा सा घटे, फिर थोड़ा सा घटे और इसका घटे, तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी के अदर जो फैक्टर हैं, अगर हम पी रेशियो देखें, तो हम हमेशा की तरह आपके साथ डिस्कस करता भी आया हूँ कि देखिए, अगर आप जब भी अगर इसका अगर सेल्स देखेंगे और अगर ऑन द अदर साइड अगर आप इस कंपनी का अगर पी रेशियो देखेंगे, तो दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं, दोनों ही अपोजिट पैरामीटर पे बिहेव करती है। तो कंपनी का अगर सेल इंक्रीज कर रहा है तो पी रेशियो घटेगा, ये आप देखिएगा। तो हमेशा इसको आप अपने डायरी में मेंटेन भी रखिएगा, एक ही अच्छा पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए। एक चीज़ और मैं आपको साथ डिस्कस कर दूँ कि अगर इस कंपनी का प्राइस देखें, तो प्राइस सबसे कम जब कोविड आया था उस टाइम में मार्केट क्रैश हो गया था, तो जब 19 के टाइम में बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी मिल रही थी, और ये आपके सामने इसका जीता जागता प्रूव है। और इस साइड देखिए जो प्राइस जो है इतना कम प्राइस में मिल रहा था कि आप अगर इस टाइम कोई भी अगर लगाता तो उस कितना गुना आज के टाइम पे वो प्रॉफिट कमा लेता। तो मतलब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए एक वीडियो में मैंने कोट भी डाला था, एक बनाया भी था कि हमारे पास एक जो अच्छे जो रेशनल जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा एक चीज का ध्यान रखते हैं कि वो पूरा पूरा पैसा एक टाइम में अपने मार्केट में नहीं लगा देते हैं। कुछ पैसा कैश के फॉर्म वो अपने पास रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं या बॉन्ड के फॉर्म में रखते हैं, या तो वो थोड़े से कम इंटरेस्ट में ही एज ए एमरजेंसी फंड, तो अलग चीज़ एक नया फंड हमने डिस्कस किया था अपॉर्चुनिटी फंड भी क्रिएट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी फंड एक ऐसा फंड है जो कि कंपनी क्रिएट करती है ताकि इसको लोन वगैरह इजीली, मतलब कि अपॉर्चुनिटी फंड ऐसा फंड है कि जब अगर मार्केट क्रैश हो तो आप इजीली उस पैसे को इन्वेस्ट कर लें। एक ही अच्छी चीज़ है, इस पर हमें ध्यान भी देना चाहिए। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बातें यही डिस्कस करेंगे 5 ईयर का। तो 5 ईयर में अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, तो इसमें इजीली हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो जो वैल्यू जो है, यहाँ लो हुआ, यहाँ लो हुआ, और यहाँ देखिए इस केस में थोड़ा सा हाई है, ये वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे हाई है, ये जो वैल्यू हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं जो एक अच्छा नंबर है। चलिए एक जो अच्छी चीज़ है जो कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो क्या है कि ये अगर इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास जो कंपनी का जो प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं, तो इस केस में रिड्यूस इसका डेट रिड्यूस हुआ है, कंपनी का डेट रिड्यूस हो गया कंपनी का, ये आप देखिएगा। और इस कंपनी का जो डिविडेंड है ये भी एक अच्छा है। और मैं आपको बता दूं जितनी पीएसयू कंपनियां हैं जो कि जिनके पास फिजिकल एसेट ज़्यादा है, वो मेनली अपने पैसे को ज़्यादा री इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो ऑप्ट करते हैं अपने जो भी प्रॉफिट पैसा है कुछ उसका अमाउंट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी अच्छी कंपनियां हैं जो पीएसयू कंपनियां हैं वो इस कंसेप्ट पे हमेशा ही काम चलाते हैं, और ये हम उसको देख भी सकते हैं, और हम हमेशा इस प्रिंसिपल पे हमें देखना भी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी जो है अगर इसका क्वार्टरली अगर रिजल्ट कंपनी अगर देखेगी, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर जो साल अगर आप बात करें 2018 में बात करें, और इस केस में जो सेल्स इनके पास हुआ था 71,000 करोड़ का हुआ था, और थोड़ा टाइम बाद 72,000 का हुआ था, फिर दिसंबर में 79,000 का हुआ था, मार्च में थोड़ा सा कम हुआ था, फिर बढ़ा था, फिर कम हुआ था, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, और फिर ये थोड़ा सा कम हुआ था, और ये इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, और ये हमारे सामने थोड़ा देखेंगे सेल्स और इंक्रीज हुआ, और सेल यहाँ थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ,
और ये सेल और इंक्रीज हुआ। तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि सेल जो कंपनी का जो है डे टू डे लाइफ सेल इंक्रीज कर रहा है और एक ये अच्छी बात है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमें पता है कि अगर सेल्स इंक्रीज कर जाता है तो अगर सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज करते हैं, एक ही अच्छी बात है। एक्सपेंसेस देखिए कंपनी का इंक्रीज करते हुए जो एक डिसेंट वैल्यू हमारे सामने दिखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो वो है 4589 करोड़ का ये बिजनेस करती है, और अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे 6301 करोड़ का बिजनेस करती है। अगर हम डिस्कस करें तो ये बिजनेस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था मार्च के बाद, क्योंकि उस टाइम में कोविड हुआ था, देखिए इंडिकेट भी कर रहा है, तो उस केस में इनके पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं आया था। मतलब उस केस में लिटरली एक ऐसे पेंडेमिक था या थोड़ा बहुत अभी भी उसका असर है और 5-6 सालों तक और उसका रहेगा, लेकिन ऐसे हम इससे बच भी नहीं सकते। ये नेचुरल फेनोमेनन था, हम नेचुरली बोल सकते हैं, आया कहीं से भी हो, नो डिबेट, इट्स अ फाइनेंस टर्म वी आर डिस्कसिंग, इजंट इट। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया, अदर इनकम देखें इस कंपनी का तो 1021 है, 576 है, 799 है, और यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इस प्रॉफिट अदर इनकम जो है इस कंपनी का, अदर इनकम जो है इस कंपनी का जो है 7188 करोड़ इस कंपनी का अदर इनकम है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पता है सबसे ज़्यादा इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 11786 करोड़ का इन्होंने कमाया है। एक ही अच्छी चीज़ है जो हमने देखा है और हम डिस्कस कर सकते हैं। टैक्स इन्होंने कितना पे किया है, तो टैक्स क्योंकि जब इनकम कम होता है, कुछ लॉसेस भी कंपनियां होती हैं, तो थोड़ा सा स्लैब जो 19 वाला होगा आप देखेंगे थोड़ा सा कम भी होगा, कि जो आप देख रहे हैं कि इनका कम था, क्योंकि उसके इसमें लॉसेस पे भी हम लॉसेस को भी कैरी कर सकते हैं, बिजनेस में एक रूल होता है। EPS इस कंपनी का देखिए, EPS सबसे जिसमें कम होगा उस केस में कंपनी ने बिल्कुल इस पर ग्रोथ पे काम किया होगा, और EPS इस कंपनी का जो हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं जिस ईयर में कम होगा तो उस केस में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अगले सेगमेंट पे। इसका अगला सेगमेंट जो होता है इस कंपनी का अगला सेगमेंट अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉफिट इसका अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम अभी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डिस्कस करने से पहले मैं आप हाँ जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस सेक्शन में लगी कि हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर हम अगर इसको एक साल में अगर बात करें तो कंपनी का कितना प्रॉफिट इनके पास आया था। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो कंपनी ने अराउंड 1,23,000 करोड़ तक का सेल्स किया था, और वही सेल्स अगर आप बात करें तो 2,23,000 करोड़ तक का इन्होंने सेल्स किया हुआ है। तो सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स जो है इस कंपनी का नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज कर रहा है, जो एक अच्छा ऑप्शन है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। जो अगर इसके सामने और हैं जो इसके एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस भी कंपनी के इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक ही अच्छा इनकम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का देखें 3,194 है, यहाँ पे 20,976 है, यहाँ पे 15,317 है, 12,971 है, एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने भी यहाँ पे कमाया है। कंपनी की अगर डिस्कस करें, कुछ अदर इनकम भी अगर हम डिस्क्लोज करें तो कंपनी ने और भी जगहों से आसानी से पैसे को कमाया है, एक ही वैल्यू हम इजीली इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में और, तो जो भी इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि लोन है, तो इंटरेस्ट अगर ये थोड़ा सा कम देना पड़ रहा हो क्योंकि इनकी बोरिंग इन्होंने कम किया होगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि है 2772 है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट जो है वो है 22,432 है। टैक्स अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो इसको 734 है, 21 है, 31 है, 33 है, 34 है, तो इसमें टैक्सेस भी इस कंपनी को देना पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखें 16,165 है, जो कि एक अच्छा इनकम हमारे पास है। डिविडेंड हमारे सामने खास कर साफ साफ दिख रहा है 56%, और ये
102% एक डिविडेंड इन्होंने अच्छा इस कंपनी को दिया भी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सेक्शन में जो हमें देखने को मिली, ये 10 ईयर में जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो 22% है, 5 ईयर में 23% है, 3 ईयर में 20% है, लास्ट ईयर में 27% है। मतलब ग्रोथ हम इस कंपनी का देखेंगे, जो ROE जो इस कंपनी का हम देखेंगे, जो कि एवरेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे चारों को सम करके, तो मोर देन आप अगर ऐसे अंदाज़ा भी लगाएंगे तो 12 को 4 में डिवाइड कीजिए, तो मतलब हम आराम से 22% का इसका ग्रोथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, 20 सबको दे दिया, एक्स्ट्रा कितना आया हमारे पास 12 आया, 12 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास कितना आया था 3 आया था, तो इसका मतलब 23% इसका क्या हो गया था, ग्रोथ आया था, राइट। अगर एक चीज़ और देखें, थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स वाला दिमाग भी इसमें लगाया रहता हूँ, अगर आप देखेंगे अगर 10 ईयर का जो भी इनका प्रॉफिट हुआ है 22% है, 9%, 11%, 2-10% ईजिली आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे सेल्स जो कंपाउंडेड ग्रोथ पे है 4%, तो ये भी एक अच्छा इनकम हम ईजिली हम देख सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम देख सकते हैं कि आखिर ये जो कंपनी जो है ईयर बाय ईयर अच्छा पैसा कमा रही है, एक अच्छा ये वैल्यू है, एक अच्छी चीज़ हम डिस्कस देख सकते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो अच्छी चीज़ हमें लगती है कि अगर हम बैलेंस शीट इस कंपनी का देखें, जो कि 10 सालों में कितना इसका बैलेंस हो रहा है, तो 2010 में अगर हम बात करें कंपनी का शेयर कैपिटल जो है 362 रुपीज़ है, और आज के टाइम में है 2093 करोड़ का शेयर कैपिटल इसके पास है। रिजर्व अगर आप देखेंगे अभी तक का सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और रिजर्व अगर किसी कंपनी का ज़्यादा होता है, मतलब ये वैसे एग्जांपल से आप मान सकते हैं किसी भी घर का अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो रिजर्व अगर ज़्यादा है इसका मतलब जो कंपनी जो है ज़्यादा एस्टेब्लिश है, वेल नोन कंपनी है। एक चीज़ जो हमेशा देखना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए बोरोइंग पे, देखिए बोरोइंग कितना कम होगा उतना कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर हमें इंटरेस्ट देना होगा, हम एक डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो हम बैंक को दे रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं तो उस इंटरेस्ट को हम कम करके हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हम उस कंपनी में लगा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हम इसको मान सकते हैं। अगर हम इनकम देखें, अगर इसका इन्वेस्टमेंट देखें इस कंपनी का, तो इन्वेस्टमेंट अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने किया है। टोटल अगर आप एसेट देखेंगे जो है अराउंड 1,60,992 करोड़, इतना इसके पास टोटल एसेट है। और अगर बोरिंग देखेंगे, जो कि हमने डिस्कस किया था कि अराउंड कम है, कम तो उतना भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 1/1 जो एक अच्छा बिजनेस ग्रो कराने के लिए होता है वो है। अच्छा, सुझाव में हम इस कंपनी को क्या दे सकते हैं कि डिविडेंड इस कंपनी कम से कम दे, जो भी कंपनी डिविडेंड देती है उस कंपनी को दोबारा शेयर वैल्यू में ये इन्वेस्ट कर दे, एक ही अच्छा इनकम हम इसको मान सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस कंपनी का कैश वैल्यू क्या है, आखिर कितना जो सेल करती है कितना परसेंटेज कैश में जनरेट करती है। तो हम इजीली जनरेट कर रहे हैं कि इसका कैश जो है सबसे ज़्यादा अभी 23,554 करोड़ है, यहाँ पे 10,157 करोड़ है, यहाँ पे 9,041 करोड़ है, 11,119 करोड़ है, 20,752 करोड़ है, 9,558 करोड़ है, और ये 5,926 करोड़ है। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो भी ये कमा रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये जो कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और अभी तक सबसे ज़्यादा इसका हुआ भी है। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी इसका अभी खास हो सकता है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया हो वो पैसा, इन्होंने इसलिए माइनस में लगाए हैं। ये नेट जो इनके जो कैश है पॉजिटिव है, 19 में नेगेटिव, कोविड थोड़ा सा नेगेटिव,
थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब ये है कि जो कि एक रूल है थंब रूल का कि अगर आप मार्केट में आते हैं तो आपको मिनिमम 5 ईयर देना पड़ेगा, क्योंकि 5 ईयर में जो कंपनी का जो नेट जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, उससे आपको ज़्यादा इनकम ईजिली मिल सकता है, ये के थंब रूल हम मान सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें डिस्कस हमेशा करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट इनके रेशियो, उसी में रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि रेशियो हमेशा इस कंपनी का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 18 से ज़्यादा है, जो एक डिसेंट अमाउंट हम इस कंपनी का मान सकते हैं। टर्नओवर कंपनी ने अभी तक जो किया है 7.66% किया है, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हम मान सकते हैं। एक चीज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करें, शेयर पैटर्न एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ करने वाली है कि नहीं, कभी लिक्विडेट तो नहीं हो जाएगी, कभी बंद तो नहीं आ जाएगी, तो ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको चेक कीजिए जो जो आपके पास स्टॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो मोर देन 50% स्टॉक है, और PSU है तो एक तो ये अच्छी प्लस पॉइंट तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट इन कंपनियों को प्राइवेट भी कर रही है। प्राइवेटाइजेशन तो आपको पता ही होगा, रेलवे में भी हो रहा था, खूब सारे डिपार्टमेंट हैं, खूब सारे PSU बिक भी गई, राइट। FII ने कितना परसेंट लगाया है पैसा, ये भी आप देख रहे हैं कि ये पैसा गवर्नमेंट में थोड़ा सा अमाउंट उनका कम होते जा रहा है, गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा जो फंड सबसे ज़्यादा है, पब्लिक का फंड इसका सबसे ज़्यादा अभी 10% लगा हुआ है, अदर रिसोर्सेज है। तो एक चीज़ जल्दी से मैं आपको समराइज करता हूँ कि कंपनी जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक PSU कंपनी है, महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और ये आपके पास एविएशन हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, बाइक में जो फ्लूड जो हम लगाते हैं लिक्विड वो हो गया, इस टाइप की प्रोडक्ट ये बनाती है। और आपको पता है आने वाले टाइम में जो खतरा इस को लग रहा मुझे, अभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट ज़्यादा आने वाला है, मतलब सारी गाड़ियाँ मूव होने वाली है इलेक्ट्रिक में, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बाकी सब जो भी आपको पता है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का रहेगा आपसे इंतज़ार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बोनस के तौर पर, जब भी आप अगर ऑयल से रिलेटेड कंपनियाँ देखते हैं जो कि गैस बनाते हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है, सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हमेशा देखिएगा पैन इंडिया में कितना नेटवर्क है, क्या ये गांव के हर कोने में प्रेजेंट है क्या, इसके कंपटीटर को देखिएगा, उनके नंबर ऑफ स्टेशन देखिएगा, उनके विजन देखिएगा, इनका डिविडेंड यील्ड देखिएगा, फिर जाके आप ऐसे अच्छा आसानी से कंपेयर कर सकते हैं किसमें आपको लगाना है। और हमेशा की तरह अगर आप वीडियो में नए हैं और पहली बार मुझे आप देख रहे हैं, या आप मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप पूरी पूरी वीडियो एक बार देखें, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, इससे हमें और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन। और हमारा जो पर्पस है कि इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेसी में नंबर वन पहुंचाना है, सबको स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज देना है, ताकि सबकी लाइफ और सबकी लाइफ में गाड़ी घोड़ा बंगला जो चाहें वो उनके साथ हो। स्टे ब्लेस, जय हिंद, टेक केयर।